हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल वॉल डूइंग गुड सो डी ट्रिपल एस बी में हमारे पास जो है टीजीटी की वैकेंसीज़ है फाइव uh, वन वन एट पोस्ट हैं हमारे पास तो इसमें डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट्स <coughs> क्या क्या लगेंगे मैं पहले बता दूं क्योंकि ऑलमोस्ट एक महीने का हमारे पास टाइम है जब तो हम फॉर्म फिल करेंगे uh, और आठ फरवरी से जो स्टार्टिंग है और एट मार्च तक का हमारे पास टाइम है सो वी हैव एम्पल ऑफ टाइम और डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए क्या क्या पहले ही प्रिपेयर्ड होना चाहिए क्योंकि कुछ जो कॉपीज है वो एप्लीकेशन के साथ लगेंगी फॉर्म के साथ लगेंगी उसके बाद बाद में आपको एग्जाम के बाद ई e हॉजियर में जो है आपको फिर से जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे तो ऐसे काफ़ी सारे चीजें हैं जो हमें करनी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड एंड नो मैटर वर्ड जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो क्वालिफाइड uh, मतलब जो क्वालिफिकेशन होता है या जो क्वालिफाई करते हैं उनमें से काफी सारे बच्चे रह जाते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता उनकी पोस्टिंग नहीं होती जस्ट बिकॉज उनके डॉक्यूमेंट्स जब उनके वेरीफाई होने स्टार्ट होते हैं जब डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग दोबारा से होती है तो कई बार जो है डिस्क्रिपेंसीज दिखती हैं इस कारण से जो है काफी सारे बच्चे ऐसे ही क्वालिफाई कर, कर

के टाइम पे जो जो आपके वो दिए रहेंगे रहेंगे उसमें जो है आपको कन्वर्ट करके कई सारे इंटरनेट पे जो है आपके पास जैसे टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं जिसमें आप जिससे जो है आप उन्हीं डायमेंशन में कन्वर्ट करके जो है आप अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दोनों आपका रेडी हो जाएगा थम इम्प्रेशन जो है दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों के थम इम्प्रेशन आपके लगेंगे ये भी जो है व्हाट डू यू से एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो है आपको जरूरी है देन कम्स द कैटेगरी सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट का अलग से मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था कि कौन सा कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा और कौन सा नहीं कैटेगरी सर्टिफिकेट जिस भी कैटेगरी uh, का आपको सर्टिफिकेट लगाना है वो तैयार होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल का सेंट्रल कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट के कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगेंगे या फिर अगर आपने लगा दी आपने यूज किए हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट करे जाओगे आप नहीं काउंट हो गए स्टेट Uh, uh, आपके नॉन क्रीमी लेयर्स पीडब्ल्यू डी का भी वही सेम हाल है right? इसमें आपका नंबर और ये सारी चीजें जो है आपके पास तैयार होनी चाहिए कब इशू हुआ है इशूइंग नंबर क्या है ये सारी ही चीजें जो है आपकी तैयार होनी चाहिए देन ट्वेल्थ की सर्टिफिकेट मार्कशीट ट्वेल्थ की मार्कशीट ग्रेजुएशन की मार्कशीट पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और बी की मार्कशीट जो भी जिस भी अप्लाई कर रहा है जिस भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा है अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हो तो आपकी ग्रेजुएशन की लगेगी अगर आप पीजीटी के लिए कर रहे हो तो आपकी इसकी लगेगी पोस्ट ग्रेजुएशन की लगेगी बी एड की लगेगी सो ये सारी ही सर्टिफिकेट्स आपके रेडी होने चाहिए एग्जाम के फॉर्म जब आप भरोगे तब इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी लेकिन ये आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए क्योंकि ई डोजियर में आपको बाद में जाके इनको जो है अपलोड करना ही पड़ेगा सीटेड का भी कहाँ पे क्या लगता है वो मैंने आपको बता रखा है बता रखा है सीटेट का जो है आपका पी के में आपका जो है पेपर वन के सी टेट क्वालिफाइड होना चाहिए एंड टी में आपका पेपर टू क्वालिफाइड होना चाहिए का वो भी जो है जो है 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 ये सारी ही चीजें आपकी होनी चाहिए right? उसके बाद आते हैं कई बार क्या होता फादर सर्टिफिकेट जो होता है फादर का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का बना हुआ होगा और राइट right? और बच्चों का नहीं होगा बाहर पढ़ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप फादर सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और राइट right? अगर किसी के फादर का जो है दिल्ली दिल्ली का जो है कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप वो यूज कर सकते हो और अगर आपका खुद का सेंट्रल लेवल का बना हुआ है देन नो इश्यूज राइट उसके अलावा जो बच्चे स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्पोर्ट्स कोटा में जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए पार्टिसिपेशन का मेडल्स जो है रिलेवेंट मेडल्स जो है रिलेवेंट इवेंट्स uh, के मेडल्स जो है वो आपके पास जो है होने चाहिए और राइट right? अगला गवर्नमेंट सर्वेंट जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है और वो रिलैक्सेशन चाहते हैं बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट आप रिलैक्सेशन चाहते हैं उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहला तो सर्टिफिकेट होना चाहिए एच का यानी कि हेड ऑफिस से जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आई होनी चाहिए आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए हेड uh, ऑफिस की उसके अलावा पीरियड ऑफ सर्विस जो है वो मैंशन आउट होना चाहिए उसके अलावा आपका उसमें जो है ईमेल आईडी और

उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और राइट ये जो है ये सारे ही आपसे नहीं मांगे जाएंगे जब आप अप्लाई करोगे तब आपसे नहीं मांगा जाएगा लेकिन आपसे मांगा जाएगा जब आपको बाद में ई डोजियर में आपको जब अप्लाई अपलोड करना पड़ेगा एग्जाम हो जाएगा कट ऑफ आ जाएगी क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद आपको दोबारा से ई डोजियर में जो है हर एक डॉक्यूमेंट को डालना पड़ता है अपलोड करना पड़ता है ताकि पहले के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स और अभी जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए उसका मैच कर पाए ऑल right? तो उसमें क्या क्या जरूरत है मार्कशीट की जरूरत है हर साल आपके जो ग्रेजुएशन है और जो ग्रेजुएशन किए आपने ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका एनुअल रहा है तो आपका ईयरली जो मार्कशीट आया है वो नहीं तो अगर आपने सेमेस्टर आपका सेमेस्टर सिस्टम था तो उसका जो भी है हर हर सेमेस्टर का या हर साल का जो आपके पास मार्कशीट होना चाहिए ओरिजिनल या प्रोविंशियल दोनों चलेगा ओरिजिनल या प्रोविंशियल डिग्री या डिप्लोमा किसी में डिग्री मांगते हैं किसी में डिप्लोमा मांगते हैं वो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी में आउट है तो जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसका सर्टिफिकेट चाहिए चाहे वो ओरिजिनल ओरिजिनल हो या प्रोविंशियल हो अब इसमें आपका कुछ चीजें याद रखना टेंथ ट्वेल्थ ये वाला जो था यहां पे ट्वेल्थ का ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन का बीएड का इन सब का मांगा है कई बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स का जो है जिनकी मदर का हो सकता है टेंथ के सर्टिफिकेट में कुछ नाम हो ट्वेल्थ में अलग डाल दिया हो या ऐसी कोई भी दिक्कतें हैं ऐसी कोई भी चीजें हैं जो गलत है या मिस्टेकन है उन सब चीजों को करेक्ट करवा लीजिए टाइम रहते हुए और राइट एक महीने का आपके पास टाइम है आखिरी दिन है आठ मार्च आठ मार्च 2024 के बाद ये काम नहीं हो पाएगा तो अभी टाइम रहते रहते ये सारी ही चीजों को जो है अरेंज कर दीजिए ऑर्गेनाइज कर दीजिए हर डॉक्यूमेंट मैं तो बोले बोलूंगी कि अलग से एक फाइल लो और हर डॉक्यूमेंट में हर डॉक्यूमेंट को उसमें लगाना स्टार्ट करो जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रेलेवेंट है ऑलराइट राइट ये तो सारे ये ये सब ये आपको चाहिए ये कोई भी भरेगा उसको इंपॉर्टेंट है ये कोई भी भरेगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपके पास अगर आप हो नॉन क्रीमी लेयर में या पीडब्ल्यूडी में आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट सबके पास जो भी अप्लाई करना चाहता हो चाहे वो जनरल कैटेगरी हो ओबीसी हो एस सी एस कोई भी कैटेगरी हो सबके लिए जो है ये जरूरी है ऑलराइट right? सबको ये ये वाला जो है ये सारी ही डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा अगर आप हो तो प्लीज इनको तैयार करवा लीजिए पहले ही पहले ही रेडी करके रखिए आखिरी मोमेंट में बैठ के ढूंढने में जो है बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी एंड एट द सेम टाइम आखिरी मोमेंट में ढूंढोगे तो कई सारी गलतियां भी मिलेंगी ढूंढो को गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप हैं ऑलरेडी और आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही प्रिपेयर करवाना पड़ेगा ये जो है आपको कॉम्पिटेंट आपके अथॉरिटी से जो है सिग्नेचर्स होने चाहिए ये सारी इन डॉक्यूमेंट्स में तो आप प्लीज इनको करवा लीजिएगा <coughs> अगला एक सर्विसमैन है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार पहले ही करवा दीजिए उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये चाहे आप नॉन क्रीमी लेयर हो क्रीमी लेयर हो कुछ भी हो और जनरल कैटेगरी हो या नॉन क्रीमी लेयर कोई फर्क नहीं पड़ता ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होने चाहिए ये बेसिक एलिजिबिलिटी का पार्ट है और राइट right, ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए स्कैंड होने चाहिए सब करके तैयार करके रखवा लीजिए एंड जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे आप भर दीजिए बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए इतनी मेहनत करके इतनी प्रिपेयर कर लिया सब कुछ कर लिया क्वालिफाई हो गया बाद में डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में फंस गए ये नहीं होना चाहिए दोबारा से जो है जैसा मैंने आपको बोला एक फाइल बना लीजिए उसमें सारे ही डॉक्यूमेंट्स जो है स्कैन करके डालना स्टार्ट करिए एंड दैट वुड बी इट थैंक यू